हेलो फ्रेंड्स, वेट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आरपीवीटी 2021 के लास्ट 7 दिनों में हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। आइए देखते हैं। आरपीवीटी 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बायोलॉजी सब्जेक्ट में कौन से रहने वाले हैं जो आपको लास्ट 7 डेज में करने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम आरपीवीटी 2021 का कोर सिलेबस देखें बायोलॉजी का, क्या क्या उसमें टॉपिक्स हैं। जैसे 11th बायोलॉजी में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। देन सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है आपका 3rd। प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी 11th के लिए। 12th में हम देखें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये जो यूनिट है इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आरपीवीटी में। आरपीवीटी में नीट से थोड़ा सा अलग पैटर्न रहता है स्टूडेंट, तो हमें तैयारी भी उस हिसाब से करनी होगी। फर्स्ट यूनिट में आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच विटेकर का बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसी प्लांट क्लासिफिकेशन में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, और एनिमल किंगडम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आरपीवीटी में इन पर बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से करके जाने हैं, मीन्स फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकेंड यूनिट मॉर्फोलॉजी में आप देखेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरपीवीटी और आरपीएमटी में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, प्लस एनिमल टिश्यू में टिश्यू वाला पोर्शन, प्लस कॉकरोच जो है नीट पे भी क्वेश्चन आए हैं, कॉकरोच के यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। अगली जो यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर द आरपीवीटी प्रिपरेशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, प्लस इसके जो साइंटिस्ट हैं और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उस पर बहुत से डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी हमने देखा है। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो चैप्टर है, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, उस पर बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। C3C4 साइकिल पर भी फोटोसिंथेसिस में से काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे, ये आपको अच्छे से करके जानी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में अभी तक देखा गया है कि आरपीवीटी में ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर सुपरफिशियल भी पढ़ करके जाते हैं तो आपका काम चल जाएगा। फिर भी आपको नर्वस सिस्टम, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन और बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन पर ध्यान देना है। अगर 12th की बात करें तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये 2 चैप्टर आपको जो है अच्छे से पढ़ करके जाने हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हर किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है। फिर हम देखें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जिस पर आपको इवोल्यूशन पर ज़्यादा फोकस करना होगा, इवोल्यूशन के साइंटिस्ट और जो इनिशियल जो एक्सपेरिमेंट और थ्योरीज थी उनको आपको अच्छे से कवर करना है। लास्ट ईयर भी इसमें कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। और फिर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट आती है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें जो 2nd पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन, इस पर बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। प्लस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इस पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता, फिर भी आपको सुपरफिशियल नॉलेज इसकी होनी चाहिए। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आपको इकोसिस्टम प्लस बायोडाइवर्सिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और कई बार एनवायरमेंटल इशू में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स जरूर जरूर सॉल्व करके जाने हैं, इनको भूलना ही नहीं है। अगर 2011 से लेकर के 2020 तक के पेपर्स आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, इनको अगर आप कर लेंगे तो ज़रूर ज़रूर क्वेश्चंस रिपीट होने के पूरे चांसेस रहेंगे। हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर आरपीवीटी पेपर्स की लिंक दे देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 19 तारीख को हम आरपीवीटी की आंसर की के साथ में आपसे मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। थैंक यू।